खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेर, क्राइम टुडे न्यूज़। साइबराबाद राय दुर्गम पुलिस स्टेशन हुदूद नानक राम गुड़ा इलाके में 7 मंजिला बिल्डिंग अचानक गिर गई। इसका काम चल रहा था और इसमें 14 फैमिलीज थे जो काम कर रहे थे। अभी तक की इत्तला के मुताबिक 10 अफराद की मौत वाके हो गई और कई लोग इसमें दबे हुए हैं। साइबराबाद पुलिस और GHMC के उद्देदार इस काम में लगे हुए हैं और कई लाशों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तला मिलते ही साइबराबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शेंडलिया के अलावा दिग्गर ऑफिसर भी मौके पे पहुंच गए और कई लोगों को सही सलामत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद गौस, मोहम्मद अजीज, शहबाज बाबा, शेख वाहिद के साथ क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। वो सल्लार बहुत नीचे डोर पे खेला गया, उसके वजह से बैलेंस आउट होके गिर गई। बोल क्या लोग कह रहे हैं, अब सुबह सुबह पता लगेगा। अभी पूरा मालूमात ठीक करने के बाद ये जो छत गिर गई है उसको निकालने के बाद उसके बाद उसका इंक्वायरी करेंगे। जो सल्लार निकाला उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और इसको क्या करना चाहिए उसके बाद परमिशन लेंगे। एक्चुअली परमिशन कितने फ्लोर का है साहब? बोलते लोग 2-3 फ्लोर का है, 2-3 फ्लोर ज्यादा बनाए बोलते। सही क्या है अभी पता नहीं लग रहा, कल पता लगेगा। इसके बारे में आपके क्या एक्शन लेंगे साहब तेलंगाना गवर्नमेंट? डेफिनेटली एक्शन लेंगे, जो ऑफिसर है गलती करा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अभी तक कितने लोग मरे साहब इसमें? नहीं रे भैया है नहीं है, अभी पता नहीं लगा मरे है बोल क्या कैसे बोल रहे। सर इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम, कैसा बिल्डिंग बैठी है, कैसा गिरी है, क्या हुआ, बिल्डिंग गिरने के बाद पता चला। उसके बाद हम यहाँ आए, देखे हमारे होम मिनिस्टर साहब नए नरसिंह भट्ट साहब सबसे पहले आए, पद्मराव साहब हमारे एक्साइज मिनिस्टर वो भी आए, लोकल MLA भी है, कई अदर पार्टी के लीडर्स भी आ रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि अगर कोई अंतर आए तो उसे सेफली बचाया जाए। अब उसका किस तरह हुआ, कैसा हुआ, उसके बाद हम बाद में कल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कौन बिल्डर है, कौन बिल्डिंग का मालिक है, अभी तक हमें कोई पता नहीं चल रहा है। वो फरार है, मिलने के बाद हम उसके बाद उन पर ज़रूर एक्शन लेंगे। मगर अगर अंदर कोई है तो उन्हें पूरी बचाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए हम पूरा मलबा साफ करने के बाद ही पता चलेगा। अगर ऐसा कोई नहीं है तो डेफिनेट उसके ऊपर एक्शन लेते हुए जो भी कानून एक्शन लिया जाए। अभी तक इसमें कोई लाइफ या डेथ निकले सर इसमें से? अभी तक तो कुछ नहीं निकली, अभी कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी कोई कन्फर्म इतला भी नहीं मिली है। यहाँ महल्ले वाले कुछ कहते हैं कि आज ही दोपहर में 2 फैमिली आ चुके। मकान का उद्घाटन नेक्स्ट मंथ में था, जनवरी में, मतलब अभी इसी महीने में जनवरी की। 7 फ्लोर की बिल्डिंग बता रहे हैं अभी तो। इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ सर? अभी तो चल रहा है, 2-3 साल से चल रहा है, 4 साल से, पर अभी कंप्लीट हुई बंद बता रहे हैं। और इसमें कुछ इसी महीने के आखिरी तारीखों में इसका फंक्शन करते हुए इसमें उतरने वाले थे, पर अभी तक अवैध होने वाले इस ओनर के बारे में, बिल्डर के बारे में कोई सही इन्फॉर्मेशन जानने वाले नहीं है। अभी तक तेलंगाना बने से 7वां या 6वां आदेश है, तो इसके बारे में आप क्या? डेफिनेट आगे रोकथाम के लिए जरूर कोशिश करेंगे। ऐसा हो कि जो भी बिल्डिंग बनाते हैं क्वालिटी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और उनके जो इंजीनियर्स हैं वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए। लोग ऐसे वैसे बिल्डर को बनाने देते हैं, उसकी वजह से फाउंडेशन में सही तरीके से अगर वो अच्छा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत से नुकसान होने के आते हैं। पर इस बिल्डिंग को इससे बैकसाइड में कोई सेलेक्टिव हो जाए, क्या हुआ वो अभी पता नहीं चलता। अभी कोई अच्छी मिला ही नहीं है, बिल्डिंग का अभी कोई पता ही नहीं चला। नॉर्मली कितने फ्लोर का परमिशन रहना चाहिए? देखिए अब हर बिल्डिंग के हिसाब से, उसके रोड के हिसाब से, जो फ्रंट रहते हैं रोड उसके हिसाब से परमिशन दी जाती है। कोई कहते हैं कि 3-4 फ्लोर का परमिशन लेकर 7 फ्लोर बनाएगा, पर अभी हम बलिया वालों से, क्योंकि अभी हम इमरजेंसी में अगर अंदर कोई है तो उन्हें बचाने में लगे हुए, मलबा साफ करने के बाद उसमें इंक्वायरी की जाएगी। उसके बाद जो भी हुआ इसके ऊपर क्या मुकदमा दर्ज होगा सर? जो भी कानून के हिसाब से जो मुकदमा होगा वो जरूर दर्ज होगा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है आज जो हुआ। ये ग्रामगट्टम बोलते हैं गाँव में जो है ना, जमीन गाँव वालों के वास्ते यूज़ करने के वास्ते ये ज़मीन इस्तेमाल करना। पुराने ज़माने में वो खेती करते रहते थे, फूलों के जो जानवर आए वो है ये रखते थे। अब शहर बन गई है, शहर बनने के बाद भी वो जगह ऐसी रखना चाहिए,
अच्छा बिल्डिंग बनने के वास्ते इलीगल परमिशन आई है, केवल 350 गज में 7 फ्लोर बिल्डिंग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ये टोटली इलीगल है। इसके बारे में हम डिमांड कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बिल्कुल आज रात में अपने जो केटी रामाराव जी जो म्युनिसिपल मिनिस्टर है, वो आईटी मिनिस्टर भी है, हमेशा जो है ना उन्होंने फॉरन भी जाते रहते आते रहते और इंटरनेशनल शहर के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। ऐसे इंटरनेशनल शहर में ऐसी चीज़ होने का बहुत बुरी बात है। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉरन जो है ना उन्होंने आईटी मिनिस्टर काम करते हुए ये म्युनिसिपल मिनिस्टर हर एक आदमी को देना चाहिए, क्योंकि ये दो संभालने में मुश्किल हो रहा है। उन्होंने फॉरन जा रहे, अमेरिका जा रहे, लंदन जा रहे और यहाँ पे जो है ना म्युनिसिपल मिनिस्ट्री करना बहुत मुश्किल है। तो हम तो चाह रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से तुरंत उन्होंने जो है ना म्युनिसिपल मिनिस्टर को राजीनामा कर देंगे, जो है ना म्युनिसिपल मिनिस्टर और को बना दिया तो यहाँ पे शहर में क्या बन रहे। नाले के बारे में हैदराबाद में एक मीटिंग कर चुके हैं रिसेंटली, सब MLAs को बुला के ये नाले में जो जो स्लम्स में जो घर बने उसको जो है ना पूरा तोड़ दे के उसको कैसा करेंगे बोल के मीटिंग भी कर चुके हैं, उसका अमल नहीं हुआ। उसमें ये भी बिल्डिंग गिर गया, अब बाजू जाके आए उसके भी पूरे क्रैक्स आ गए। हम तो सोच रहे हैं वो बिल्डिंग भी गिर जाएगा, जल्दी से जल्दी गिर जाएगा। तो इसीलिए जो है ना फौरन इसके बारे में एक फुल फ्लेज म्युनिसिपल मिनिस्टर रह के, जैसा आपने जो है ना अभी डिप्टी मिनिस्टर साहब, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब इतने एज में भी आके ये लोग यहाँ पे काम करके दिन तमाम यहाँ पे जो है ना रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं। आईटी मिनिस्टर जो है ना केटी रामाराव जी भी फौरन यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आके यहाँ पे क्या काम हो रहा है, म्युनिसिपल मिनिस्टर भी है यहाँ पे पूरा सुपरवाइज करना चाहिए, वो आप डिमांड कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और जो एक्सग्रेशिया जो मर गए, ये जो है ना एक्सग्रेशिया जो है ना जो लोग अंदर जो मर चुके हैं, हमको जो ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट से जो गरीब लोग आके इधर मर गए बोल के हमको इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कम से कम जो है ना 20 लाख रुपए एक फैमिली मेंबर को देना बोल के अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम डिमांड कर रहे हैं। रामगुड़े में हम अभी मौजूद हैं, यहाँ पर है जो कि बिल्डिंग गिर गई, 7 फ्लोर की बिल्डिंग गिर गई जिसके अंदर 5 फैमिली बताया जा रहा है। अभी मौजूद भी होम मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम साहब है, मेयर साहब है, डिप्टी मेयर साहब है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कुछ यहाँ के मुकामी लोगों से बताइए यहाँ पर ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ जो बिल्डिंग गिरने पर हो गई और ऐसा क्या हुआ जो आपका घर टूटने पर ये लोग वो हो गए। ये 9:30 को कहीं की जो बिल्डिंग का जो हुआ है प्रॉब्लम, बिल्डिंग गिरने से 9:30 बजे घटना हुई है और ये पीछे कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है उसके वजह से कहीं की वो 30 स्क्वायर फीट अंदर खोलने से कहीं की बिल्डिंग को सपोर्ट नहीं रहने से बिल्डिंग पीछे गिर गया और उसके नीचे कहीं की जो 5 फैमिली है और मेस्त्रियाँ जैसे कि पेंटिंग काम करने वाले लोग हैं और कहीं की मेस्त्री करने वाले लोग हैं, बहुत से ऐसे काम करने वाले जो 5 फैमिली उसके नीचे है और किसी इंसान का पता नहीं चल रहा उसके ऊपर पूरे बिल्डिंग उसके ऊपर गिर गई। जी पे 6 फ्लोर बिल्डिंग है और उसके ऊपर दबने से कहीं कितने लोग दब गए अंदर और ये अभी घटना 9:30 बजे चालू हुआ उसकी वजह से कहीं कि अभी तक घटना को एक इंसान को बाहर नहीं निकाल सके थे। क्या टाइम हो रहा है? कहीं कि मेयर साहब बोल लोग SP DSP और कहीं कि पूरे ये लोग सब लोग यहाँ इन्वॉल्व है और हमारा घर उसके वजह से कहीं कि घर तोड़ रहे हैं यहाँ पर और हमारे घर को प्रॉब्लम हो रहा, हमारा घर हम लोग सब बाहर सोना पड़ रहा और घर के लिए प्रॉब्लम है। वो लोग बोले कि हम किसी की जान के लिए हिफाजत करें बोलते हम ठीक है अच्छी बात आप कर सकते बोले, उसके लिए हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल लोग दिए कि हम ये काम आप लोगों को भर से फिर से घर बना के देंगे बोल के बोले और इसकी वजह है जो हम किसी की जान के वास्ते हम सोच के हमारा घर टूटाने के लिए हमारा राजी हो गए और इसके बाद में हमारा घर हमारे को बाद में बना के देना पड़ता। आप लोग सर हम लोग आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि जैसा हम लोग थे हमारा घर को वैसे बना के दो और जल्द से जल्द ये काम कर जल्द से जल्द काम कराने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बिल्डिंग कराना चुके ये बिल्डिंग गिरा ये जो आप बता रहे हैं कि सामान लेने का दिया है तो वो बिल्डिंग बनाते बोलते कौन से मिनिस्टर ने कहा है जो आपको बिल्डिंग फिर से बना के देते हैं और कितने घर पे था आपका ये प्लाट? तो कहीं की हमारा देखो 150 गज का प्लाट रहता है ये हमारा और पद्मराव साहब ने हमारे को बोला कि आप फिक्र ना करें आपका घर जैसा था हम वैसे करेंगे, आपको रहने के लिए इंतजाम करेंगे, हमारा सामान पूरा घर के बाहर रहे और हम लोग बाहर सोना पड़ रहा है, देखिए हमारे प्रवास सामान का भी चले और हम लोग ये ठंड में हम किधर जाके सोना पड़ता आप अभी बताइए और ये काम चल रहा है, हम भी किसी की हेल्प के लिए हम भी हाँ बोल के राजी हो गए और ये अब हम लोग हेल्प हम लोग इतना चाहते हैं कि हमारा घर जैसा है वैसा हम बना के देने के लिए रिक्वेस्ट करें। कितने दस के था आपका घर और कितने सालों से यहाँ पर आपका घर? हम जैसे कि हमारे दादा परदादा वो लोग जब से ज़माने से है ये कम से कम 100 साल पुराने हैं, हम लोग बहुत ज़माने से यहीं पे रहते हैं और ये घर 110 गज 120 गज रहता हमारा घर और कहीं कि हम चाहते हैं कि हमारा घर जैसा था हमको वैसे बना के देना। ये बिल्डिंग गिरी कब?
ये बिल्डिंग 9:30 बजे घटना हुई है। अब क्या टाइम हो रहा? अब 2 बज रहे हैं, अभी तक कुछ भी इसका एक फ्लोर तक नहीं हटा सके। अभी एक फ्लोर तक क्यों नहीं हटाए? वो अभी तक काम चल ही रहा है, मगर अब वो लोग क्या करना करें समझ में नहीं आ रहा। इतने हैं सब, पूरे मिनिस्टर सब, होम मिनिस्टर सब, पूरे सब लोग यहीं पे थे, इसके डीएसपी पूरे लोग यहीं पे टीम वाले। अभी यहाँ पर थोड़ा भी उनको काम चल ही रहा है। अभी तो वो लोग उनकी जितनी मेहरबानी होता है कर रहे हैं, उनका कष्ट पूरा करके बता रहे हैं, मगर अभी तक कुछ भी नहीं कर सके। एक इंसान भी बाहर नहीं निकला। आजू बाजू वालों को पूरा परेशानी, हमारे घर को परेशानी, बाजू घर को परेशानी हुई, और इस परेशानी की वजह से इनकी ये घर को और विदाउट परमिशन अच्छी प्लस फ्लोर था। और ये सब लोग ऑलरेडी सबको मालूम है, देख के गए थे सब, और इसका रेस्पॉन्स बोल लो कुछ भी नहीं करे, क्या भी नहीं इसका। हुकूमत से क्या कहना चाह रहे हैं हम? हुकूमत से कहना चाह रहे हैं कि हमारे को बस हमको इंसाफ मिले, हमारे को इंसाफ चाहिए। हम आपको कुछ भी नहीं, हम आपकी सहायता के लिए, हमारा घर तोड़ने के लिए हम लोग राजी हो गए। बस हमारे को अब इंसाफ मिलना चाहिए, हमारा घर जैसा था हमको वैसा कर दो बस। ये तो हमारे को ये ठंडों में बाहर सोना पड़ता, हमारे को आया नहीं है सोने के लिए, कुछ भी नहीं है घर में। फिर खाना करना बोलते भी देखना पड़ता, घर टूटने के बाद में हम किधर जाए, किधर खाएं, किधर सोए, हमारा कुछ ठिकाना नहीं है। जैसा कि आप बता रहे थे कि पीछे बिल्डिंग का बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके बारे में अभी तक कितने वक्त आप लोग कंप्लेंट किए, जी एच एम सी कंप्लेंट कितने बार दी, और पुलिस एरिया में कितने बार कंप्लेंट दे चुके हैं? ये किसी को नहीं मालूम बोल के, ये कुछ भी नहीं है, ये सब लोग को मालूम है कि ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है बोल के ऑलरेडी। और उसके बाजू में बड़ी मेन रोड है, वो लोग बहुत लोग जाते आते रहते, सबको मालूम कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये एक जगह नहीं चल रहा है, ये ऑलरेडी 3 जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ऑलरेडी रोड के उस पर भी चल रहा है, और कहीं की अब कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है। ये कंजेक्शन यहाँ पर ये चल रहा है, जब कंजेक्शन को कोई भी अपील नहीं करे, ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं करे, तो कंजेक्शन चल ही रहा है ऑलरेडी। की और जो बिल्डिंग है उनको भी विदाउट सपोर्टिंग है। अब हम आपको मिलने चाहते हैं कि हम आपको इतना सपोर्ट करो कि वो बिल्डिंग भी उनको दोबारा उनको धक्का ना लगने से पहले आप लोग उनको रोको और उनको बताओ कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा बोल के। बस हम लोग आपसे रिक्वेस्ट चाहते हैं। थैंक यू। अभी हम जैसा वहाँ बात कर रहे थे कि इस प्लॉट की जो कि इन मजबूर लोगों का घर तोड़ दिया जा रहा है, उसमें रहने वाले लोग को बचाने के लिए कैमरा पर्सन जिसके साथ मोहम्मद वॉस, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।